से मुझे ईगल से नफरत है। जिंदगी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। अंदर डाल लो सॉफ्टी। अरे यार, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ याद नहीं किया है। मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। हाँ, टेस्ट वेस्ट। ध्यान दे क्लास, मेरे पास दो खबर है। पहला है कि टेस्ट कैंसिल हो गया है। अरे नहीं, मैं पूरी रात पढ़ रही थी। अरे नहीं, मैंने तो बस एक मिनट किताब खोली थी। और दूसरा, हमारे पास एक नया स्टूडेंट है, जेमी से मिलो। क्लास सुनो, तुम बैठ जाओ बच्चे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। कितना प्यारा। नहीं हॉट, क्या वो मेरा है? ये स्कूल मैप कितना अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाय, मैप समझ नहीं आ रहा है, मैं मदद कर सकती हूँ। पागल सॉफ्टी, अब तो मुझे यह करना ही होगा। आशा है कि तुम्हें सब कुछ मीठा पसंद हो। ऐसे स्वीट हार्ट के लिए अच्छा प्रैंक है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, बस हाय कहने के लिए आई थी। हाय। बताओ, तुम्हारा पहला स्कूल का दिन कैसा रहा? अब काम हो गया। यह टेस्ट तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो शुरू करो। ठीक है, करो करो। क्या क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं। आज तुम और मैं पिक्चर देखने जा रहे हैं, और ज्यादा पानी मत पीना, हॉरर फिल्म है। क्या आ, 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 ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज साफ रहना। ची। हाँ, इसकी महक वैसी नहीं है। ओ ठीक है, ये सिर्फ न्यूटेला है। क्या तुमने अभी? नहीं, ये सिर्फ न्यूटेला है, ये न्यूटेला है, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन ये आया कहाँ से? क्लोई, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डरपोक हो। चलो अंदर चलते हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। यहाँ प्लीज अपना बैग खोल के दिखाएं, हम अंदर खाना नहीं ले जाने दे सकते हैं। कुछ भी नहीं। ठीक है ले लो, मुझे ये उतना नहीं चाहिए था। हम किसी भी जानवर को भी अनुमति नहीं देते हैं। कौन से जानवर? अरे ये कहां से आया? क्या क्या ये किसी तरह का प्यार का जादू है? मुझे शायद जाना चाहिए। अरे वापस आओ, यह कोई प्यार जादू नहीं है, और भी तो चीजें थी। उफ, डेज़ी। बोरिंग बोरिंग। ओ यह अच्छा है।
एक ही चीज की कमी है। हाय ब्यूटीफुल, साथ में टिकटॉक पर एक अकाउंट खोलना चाहती हो? मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, हाय मिस यू, मिलना चाहते हो? इतना देर क्यों लग रहा है? मैं उसे कॉल करती हूँ। घर पर बिजी होगा। हाँ बहुत अच्छा। तुम यहाँ कैसे आई? खिड़की से, खुली थी। चाहिए? नहीं, वाह यह है, मुझे अकेला छोड़ो। हाँ, क्या तुम इसका मतलब जानते भी हो? हाँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम्हें थोड़े आराम और एक कंबल की जरूरत थी। मुझे तुम्हारे कोला और कंबल की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर हुआ क्या? ये तुम्हारी गलती है। चीटिंग कर रहे हैं। क्या क्या? तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। वो कितना बेकार है। हाँ उसने हमें फंसाया। दोस्त बनोगी? हाँ बिल्कुल। माफ करना, क्या यह मैथ्स की क्लास है? चले? वो मैं कभी मना नहीं करती। इस स्कूल में हर कोई कितना अजीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसलिए शेक्सपियर को लेकर अब भी बहस होती है। धन्यवाद क्लोई, बहुत ही अच्छा और बहुत उबाऊ, लेकिन यह देखने में मजा आएगा जब प्रिंसिपल तुम्हें निष्कासित करेंगे। कक्षा में ध्यान दे, हमारे पास एक नया छात्र है, स्टीव। बढ़िया, एक और मूर्ख। क्लोई, अगर तुम अभी कक्षा को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें नजर बंद कर दूंगी। मुझे उसकी आदत है और तुम्हारी बहन को भी। हाँ? ओह प्लीज। क्या यह उचित नहीं है? असहनीय। वाह बहुत सुंदर, वह मुझे देख रही है। क्या यह किस तरह का स्कूल है? यह सब भूल भुलैया है। क्या वो वही लड़की है? क्या तुम लोगों के लिए एक दिन के लिए अच्छी नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं। क्या तुम सबके साथ घुल मिलना बंद नहीं कर सकती? मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है।
तुम्हें आरी पर क्रश है? मुझे नहीं है। आराम करो, हर कोई करता है। मैं जैमी हूँ, तुम कौन हो? स्टीव, यह लड़की कौन है? ओह, यह क्लोई है। वो और आरी बहनें हैं। भले ही उनके पास एक जैसा कुछ नहीं है, आरी हमेशा ध्यान का केंद्र रहती है और कोई भी क्लोई के पास नहीं जाता। मैं हैरान नहीं हूँ। हे! वे बहनें कैसे हो सकती हैं? आरी कितनी अच्छी है। वह सपना मत देखो, आरी को डेट करने की अनुमति नहीं है। खैर, जब तक क्लोई उसके साथ डेट पर नहीं जाती और बहुत सारे लोग नहीं हैं जो उसके साथ जाना चाहते हैं। रास्ता नहीं, वह पागल है। कृपया करके, मेरे पास 100 रुपए हैं। अच्छा, हम फिल्म देखने जाएंगे। वह 50 का है। उसे पॉपकॉर्न चाहिए। वह 70 का है। हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और वह 300 का है। 300? खैर, मैं उससे इतना भी प्यार नहीं करता। 250। और तुम मेरी गणित की परीक्षा भी करोगे? हाँ, ठीक है। हे प्रिय, क्या मैं आपके लिए एक सेब खरीद सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें गणित की परीक्षा में मिलूंगा। आउच! क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जाने मन, मुझे यह सब पता चल गया है। यहाँ अंक 3, 7, 8, 9, 11, 12 और 15 में गलतियाँ हैं, और गणित में भी, और मेरी परीक्षा पहले ही खत्म हो गई है। जाने मन। हे, मैं समझ गया बेब, तुम्हें एक असली आदमी की जरूरत है। नीचे एक कार हमारा इंतजार कर रही है। चलो चलते हैं। आ, मैं इसे अबॉर्ड नहीं कर सकता। वह एक राक्षस है। मैं उसके लिए फिर कभी नहीं करूँगा। चलो, कोई बड़ी बात नहीं, यह सिर्फ एक चोट है, एक दुर्घटना। अरे आरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कृपया कृपया कृपया, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं दिलचस्प नहीं हूँ। 500? केवल प्यार के नाम पर भाई। आरी, शायद तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगी? मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारी बहन भी डेट पर जाए तो? मैं इसके बारे में पहले ही सोच चुका हूँ। यह जैमी है, यह तुम्हारी बहन से प्यार करता है। प्यार हुआ? क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्योंकि वह बहुत सुंदर है और प्यारी है। प्यारी? मेरा मतलब लाजवाब है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी भावनाएं पूरी नहीं हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें बताओ कि तुम्हारी बहन को क्या पसंद है। अच्छा, दिखाना बेहतर रहेगा। ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। Thank you.
करती है, मेरे पास टिकट्स हैं। हे चलो अभ्यास करो। हे मेरे पास BTS टिकट्स हैं, जाना चाहती हो? BTS मैं जाना चाहती हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि तुम उन्हें पसंद करती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अच्छा वह महान है, हर कोई उन्हें प्यार करता है। कृपया मेरे साथ आइए, मैं इस टिकट का क्या करूँगा? कृपया से मुझे दो, मुझे यह चाहिए। कृपया कृपया कृपया। नहीं, इसे खुद निपटाओ। हाय क्लोई। क्या तुम चाहती हो? वह लड़का जैमिन, वह प्यारा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ प्लीज उसके साथ बाहर जाओ, मुझे स्टीव बहुत पसंद है और तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ अकेले में मिल भी नहीं सकती। कृपया कृपया। ठीक है बस चुप हो जाओ। धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वाह यह मजेदार था, मैंने कभी इतना मजा नहीं किया। मैंने भी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, तुम स्कूल की एकमात्र समझदार दोस्त हो और तुम भी मतलबी नहीं हो, तुम वास्तव में अच्छी हो। अरे तुम यहाँ हो, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें क्लोई के साथ डेट करने के लिए पैसे नहीं दिए। पैसे? मुझे पता था कि तुम एक घटिया इंसान हो। क्लोई रुको। क्लोई क्या तुम ठीक हो? क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें बेहतर महसूस होगा। क्लोई मुझे माफ कर दो, यह मेरा विचार था, मुझे तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लगी और यही एकमात्र रास्ता था। मुझे पता है कि मैं एक मूर्ख हूँ। तुम एक मूर्ख हो, लेकिन जैमी तुमसे भी ज्यादा मूर्ख है। मुझे लगा कि वह मुझे पसंद करता है, उसने जो कुछ मेरे लिए किया वह सिर्फ पैसे के लिए था। चलो रोना बंद करो। मैंने अपने जीवन का प्यार खो दिया। मेरे पास एक विचार है उसका दिल जीतने के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी कॉन्सर्ट में जाने के मूड में नहीं हूँ, तुम इसे बहुत पसंद करोगी। सबको नमस्कार, मिलिए BTS और उनके नए सदस्य जैमी से। क्लोई यह सब तुम्हारे लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वो